ब्रश किया कि नहीं? हाँ जी किए। आशीर्वाद ले तो ही ले। मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग करने, इसी बहाने हम भी एक जूती ले लेंगे। ये मेरी रही लकड़ाहू, देख लीजिए पूरा ड्रेस तैयार हो गया है, सीधा फिनिशिंग करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो चलिए किचन में आप लोगों को दिखाते हैं सब कोई क्या कर रहा है। चलिए ये देखिए मेरे किचन में बहुत भीड़ है। भैया अपना आंवला जूस पीस रहा है और ये रहे मेरे पापा। क्या बना रहे हैं पापा? आलू बैगन टमाटर का मिक्स सब्जी, पूरी के साथ खाने वाला। पूरी के साथ खाने वाला। हाँ भैया तुम क्या कर रहे हो? आंवला पीस रहे। और मम्मी आटा गूंथ रही है। सब कितना बिजी है। मेरे जिम्मे कितना बड़ा काम है एकदम सबका वीडियो बनाना और दिखाते मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है। चलो ब्रो के जिम्मे कोई काम नहीं है। ब्रो ने ये नहीं रहा। क्या कर रहे हो? शॉर्ट्स, पबजी शॉर्ट्स। ये अभी सो ही रहा है। पबजी शॉर्ट्स? पबजी नहीं, ये पबजी का नहीं है। पबजी खेलने आता भी है? नहीं पबजी का नहीं है। ये क्या कौन सा गेम है? ऐसे गाड़ी चला रहा है। सच बोले तो इसके पास कोई काम नहीं है, बस दिन रात इसी मच्छरदानी में बैठ के मोबाइल चलाता रहेगा। मैं चलती हूँ, अब क्या करूँगी, किचन में जा रही हूँ, मैं भी थोड़ा काम कराऊंगी शायद। सोच रही हूँ आज नहा भी लूँ। तो चलिए मिलते हैं अब। मैं अभी बना रही हूँ सत्तू भर की पूरी। पूरी को फ्राई कर रही हूँ, तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। इधर मेरे सत्तू की पूरी फ्राई हो ही रहे हैं और मेरे सब्जी बन के तैयार हो गए। ऐसे ये पापा बनाए हैं, पापा के हाथ का सब्जी। हाय यम यम। तुम ब्रश कियो? चार बार। सच बताना। चार बार। सच सच बताऊं तो सही में ब्रश कियो कि नहीं? चार बार। इधर ब्रश चेक करो, भिंगल है कि नहीं? चेक करो। ब्रश कियो कि नहीं? हाँ जी किए हैं। ठंडी गदी ने ब्रश भी नहीं सूखेगा, तो बता दो ब्रश कियो कि नहीं? सच सच बताओ। घोड़ा भर के दिए में कोई देखा है? कोई देखा है ब्रश करते हुए? हम मिरर में हम खुद देखे हैं। सर झूठे सब रहे देखा नहीं हम कानी के तो ब्रश करा था कानी ना हो हम के नहीं मालूम है। झूठ नहीं किया है, हंस दिया यानी नहीं किया है। बताओ किए हो कि नहीं? बाय बाय। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद चाहिए इसको। 50 50 से यदि इसका नोट ना निकालो। हम दे रहे हैं नंतेस मार। हमको आशीर्वाद देना है ना? ये क्या? ये दो हमको वापस। नहीं दो आशीर्वाद, ये सब नहीं, उतना दोगी? दा देंगे दो, 20 दोगे तो हम कुछ छीन लेंगे। 50 चाहिए हमको। बात करो ये लो आशीर्वाद। क्या होता है? नहीं होता। राइट हैंड से देते हैं? नहीं राइट हैंड से नहीं, 20 हम लेते ही नहीं है। ये लो आशीर्वाद। ले तो ही ले लेंगे। ले तो ही ले लेंगे। दो दो हम दो दो 50 दो 20 तो आशीर्वाद नहीं होता। कैसे कर रहे होते? ये लो अच्छा। खुश रहो। बाय बाय। तो फाइनली मैं नहा ली हूँ यार, ऐसा लग रहा कितने दिन बाद नहाई हूँ। और पता है बाहर आज तो बारिश भी हो रही है, तो मैं अभी क्या करूँगी, मैं अभी सिलूंगी ब्लाउज। जैसे मैं कल पूरा स्कर्ट तैयार की थी, आज मैं करूँगी तैयार ब्लाउज। कुर्की दिखाते हैं, पहले इसको कट करना होगा। ये देखिए ये रहा कपड़ा, इसी कपड़े का मैं ब्लाउज सिलूंगी। यार सच बोले तो मुझे, मैं आज तक कभी नहीं सिली, एक बार सिली हूँ पर ये मैं दूसरी बार सिलूंगी। देखती हूँ, कटिंग करती हूँ पहले कैसा होता है। तो चलिए इसे कट करते हैं। मेरे रूम का हालत कुछ ऐसा हो गया है यार, सिलाई नहीं रहा, सिलते सिलते थक गए। लगी थी भूख, बनाई हूँ झाल मुड़ी मस्त टेस्टी सा। अभी मैं और मम्मी जा रही हूँ शॉपिंग करने, मतलब मम्मी को कुछ सामान लेना है, उसके लिए मैं तो तैयार हो गई, पर मेरी मोटो जो कि अभी मेकअप कर रही है, पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा तैयार होने में। हाँ हो
तब क्या देखो क्रीम पाउडर लगा रही हो, नहाई लो ये नहीं। अच्छा शेर कभी नहाता है? नहीं ना, रोज नहाता है पानी में डुबकी मारता है। शेर रोज नहाता है पानी में डुबकी मारता है, ऐसा मम्मी का कहना है। तो आप लोग बताइएगा शेर कभी नहाता है? नहीं, ऐसे तो बिल्ली भी नहीं नहाती, चूहा भी नहीं नहाता। तो चलिए हम लोग निकलते हैं आज किट की ओर। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। मम्मी करिए कोई सुन लेगा तो क्या, देख रहे हैं ये है डर, डर नहीं मम्मी को अजीब लगेगा ना इसीलिए, बट मैं बेशरम हो चुकी हूँ। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं शॉपिंग करने। मम्मी कितना टाइम हुआ? टाइम 1 बजने वाला है, बजने वाला तो है। चलिए अब सीधे पहुँच के दिखाते हैं क्या ले रहे हैं। ऐसे हमको तो कुछ नहीं लेना, मम्मी को शॉपिंग कराने मैं ले जा रही हूँ। मैं तो यहाँ से मैंने एक साड़ी लिया मम्मी के लिए, उसके बाद मुझे ये एक नज़र में ही कंगन पसंद आया, वो भी एकदम मेरे कपड़े के ही कलर का, तो मैं ये ले ली। मम्मी कौन सा कलर ले? ढेर सारा कलर है, हम कुछ नहीं खरीदेंगे। ये ग्रीन वाला ले लेना, ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। हाँ ये ग्रीन वाला। 20 रुपये। फिर मैं और मम्मी चल देते हैं समोसे खाने। हेलो समोसे, समोसे खा के समोसे जैसी हो जाओ। अभी मम्मी को पूरा सामान ऑलमोस्ट दिलाई दिया है, बस मम्मी का बचा है चिट्ठी, तो वही खोज रहे हैं कहाँ ले जाए। मेरा आवाज भी नहीं आ रहा होगा। इधर मम्मी लेती है काला धागा अपने लिए। माता श्री जूती देख रही है क्योंकि मेरे को ये पसंद आया है थोड़ा बहुत। इसी बहाने हम भी एक जूती ले लेंगे। पसंद आ गया ये? अरे ले लो मम्मी, ये हमें पहन लेंगे, आगे नहीं मालूम हमको भी हो जाएगा, इसको तो ले ही लेना। हम दे भी नहीं करते, हम तो फोटो में बैठ गए हैं पर मम्मी का अभी तक चूड़ी नहीं मिला है। मम्मी को डिजाइन पसंद ही नहीं आ रहा है, तो मम्मी का साइज नहीं मिल रहा है। कहीं 2-3 जगह देखी पर कहीं नहीं मिला मम्मी। हाँ वो तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं घर, घर पहुँच गए। बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो। मैं शॉपिंग करके घर आ गई हूँ और ये रही मेरे मोटो, ये देखिए ये रही का लकड़ा हूँ, ये मेरी रही लकड़ा हूँ। और ये किसका स्वेटर पहनी है? किसका पहनी मम्मी? अपना गोदाम, गोदाम से निकाल निकाल के पहनेगी, पता नहीं कौन से गोदाम से निकालेगी। सैनिक स्कूल से पहनी है, सैनिक स्कूल का, मेरे छोटे भाई का पूरा पहनी हुई, इसको हो जाता आराम से। और मैं जा रही हूँ मस्त अदरक वाली चाय बनाने, और मुझे बहुत तेज लग रही है ठंड, और बाहर बारिश भी हो रहा है, ठंडी में बारिश, और उसके साथ ठंडी में चाय, वो भी अदरक की। हाय, इधर चाय बैठा देती हूँ मैं। गाय दिख रहे हैं, बोलियो गाइस।
बिल्कुल ऐसा ना बनाए। तो यार अगर चाय गिर जाए तो उसको वापस से साफ कर ले, खुद ही करना पड़ता है। बना रहे तो भाई गंदगी करो तो खुद का गंदगी खुद साफ करो। फिर मेरा चाय पसरा ही होने वाला है। मेरा चाय बन के रेडी हो गया, मैं इसे कर देती हूँ बंद और मैं इधर निकालती हूँ अपने लिए चाय। ये मेरी बिटिया रानी चाय बनाई है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करके मत बोलो, अच्छे से बोलो। ये मेरी बिटिया रानी चाय बनाई है। अरे यार तुम्हारा ओवर एक्टिंग में 9 नंबर काट दिए। ठीक है तो चलिए मैं पीती हूँ चाय। यार एक ब्लाउज हमसे नहीं सिला रहा है, सिलते सिलते सर दर्द करने लगा बट गलत हो गया है। ब्लाउज ठीक ठाक हुआ है बट इसका बाजू दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका बाजू कट किया था, पता नहीं कैसा कट हुआ है, मेरा कपड़ा बर्बाद हो गया। छोटा कट गया है। अभी ब्लाउज नहीं दिखाऊंगी, सिल ली हूँ, तैयार हो गया, बट इसका बाजू अगर अच्छे से कट हो जाए तब तो फिर ट्राई करूंगी। अभी तो मेरा सर दर्द करने लगा, पता नहीं कैसे सिलूंगी। हमको लग रहा है कपड़ा हो जाएगा बर्बाद पूरा और मुझे दोबारा जाना होगा कपड़ा, यही सेम कपड़ा खरीदना होगा, वो भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मैं अपना ब्लाउज सिल ली, ये देखिए एकदम परफेक्ट। कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा फिनिशिंग करना बाकी है जो मैं बाद में करूँगी, बट अब मेरा पूरा अच्छे से मेरा पूरा ड्रेस तैयार हो गया है, तो सीधा फिनिशिंग करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो चलिए अपने वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।